हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मध्य प्रदेश में राजनीतिक हालात पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राज्यसभा के सांसद और वरिष्ठ सीनियर एडवोकेट विवेक तनखा साहब। सर, ये जो मध्य प्रदेश में जो सारी परिस्थिति बन गई है, तो कांग्रेस इससे कैसे उबर पाएगी? देखिए, सबसे पहले तो ये परिस्थिति बीजेपी ने क्रिएट की है, ये सेल्फ बेनिफिटिंग परिस्थिति है उनके लिए। 19 विधायकों को वो अगवा करके बेंगलोर ले जाते हैं, उनकी कैप्टिविटी में वो विधायक हैं, वो किसी से बात नहीं कर सकते, उनके मोबाइल ले लिए गए, उनके परिवारजन भी उनसे के साथ एक्सेस नहीं है। अब ये तो एक प्रकार से एक इलीगल एक्ट है, और वो भी चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। फिर एक दिन बीजेपी के सीनियर लीडर्स आते हैं और कहते हैं, इन 19 लोगों का हम आपको त्यागपत्र दे रहे हैं। मतलब कांग्रेस विधायकों का त्यागपत्र बीजेपी दे रहे हैं, जो बंधक हैं, जिनका मोबाइल बंद है, जिनसे कोई संपर्क नहीं कर सकता है, उनको भी एक बीजेपी रूल स्टेट में रिसोर्ट में बंद करके रखा गया है। और आप कहते हो कि हम अल्पमत में हैं, वो बहुमत में। मैंने तो ऐसा आर्ग्यूमेंट विश्व में कहीं नहीं सुना जो मैं यहाँ सुन रहा हूँ। और मध्य प्रदेश की परिस्थिति ने क्या बना दी है? हमारे विधायक जो इतने अच्छे विधायक हैं, मतलब सबने चुनाव लड़ा, बीजेपी के अगेंस्ट लड़ा, जीत के आए ये लोग सब, आज इनकी स्थिति क्या बना दी है? बोला सर, ये जो कहा जा रहा है कि सरकार अल्पमत में आ गई है, आपके विधायक वहां चले गए, अनट्रेसेबल हो गए हैं, तो क्या आपका अगला मूव रहेगा? देखिए, अनट्रेसेबल नहीं है, ट्रेसेबल है। वो बीजेपी के संरक्षण में कहीं पर रखे गए हैं और किसी को उनसे संपर्क नहीं किया जा रहा। अब उनके त्यागपत्र ने लाके दिए, अब थर्ड पार्टी किसी का त्यागपत्र देती है, क्या विश्व में कोई स्पीकर उसको एक्सेप्ट कर सकता है? क्या संविधान में ये लिखा है? क्या कानून के जो प्रोसीजर्स और सुप्रीम कोर्ट की जो नज़ीर है, उसमें नहीं लिखा कि चीफ स्पीकर को वेरीफाई करना पड़ता है, उनको बुलाना पड़ता है, उनकी जेन्युइननेस देखनी पड़ती है और वॉलेंटरीनेस देखनी पड़ती है, और उसके बाद चीफ स्पीकर अपना सेटिस्फैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। भाई, अगर कोई स्वेच्छा से जाना चाहता है तो ऑफकोर्स कोई नहीं रोक सकता, मगर आज वो स्वेच्छा है किसके पास? बीजेपी के पास है। तो ये जो वो उनकी जो प्रक्रिया है, जो तरीका है, ये कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उनका जो क्लेम है वो तो हास्यपद है कि ये अल्पमत तो बहुमत कैप्टिविटी पर डिटर्मिन होगी। अगर इस प्रकार से हो जाए तो फिर हर सरकार के साथ आप ये कर सकते हो, MLAs को बंधक बना दो, फ्लोर टेस्ट करो और हम जीत गए। तो ये नहीं हो सकता, एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस में ऐसी चीजें नहीं हो सकती। सर, स्पीकर को क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? आप कानून विद हैं। स्पीकर को उनको बुलाना पड़ेगा, और जो उन्होंने किया है, जो कानून में लिखा है, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनकी स्वेच्छा के बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी, और जेन्युइन स्वेच्छा होगी तो स्पीकर उसको एक्सेप्ट करेगा। उन्होंने नोटिस निकाला है, यही कानूनी प्रक्रिया होती है। लोकसभा में भी यही होता है, दूसरे विधानसभा में भी यही होता है। बीजेपी कहने की बजट सत्र की बजाय पहले बहुमत साबित करने का की बात हो। बहुमत साबित तो हम तब करेंगे जब हम अल्पमत होंगे। हम तो अल्पमत है ही नहीं, आप हमारे लोगों को बंधक बना देते हो और फिर कहते हो आप अल्पमत में हो, ये इसको अल्पमत नहीं कहते हैं। तो आपको उम्मीद लग रही है कि उनमें से कुछ आपके पास वापस आएंगे? देखिए, जब हम बात ही नहीं कर पा रहे हैं तो हम आज आपको स्पष्टता क्या बोल पाएंगे, जब हमारा उनसे कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पा रहा है। हमारे पार्टी लीडर हमारी पार्टी जिसके माध्यम से वो चुने गए थे, हम उनसे बात ही नहीं कर पा रहे हैं। तो सर, मगर एक बड़ा सवाल ये, सिंधिया जिस तरीके से चलेगा और कहा जा रहा है कि राजा महाराजा के लड़ाई के कन्फ्रंटेशन में पार्टी को नुकसान हो रहा है, क्या आप इससे सहमत हैं? क्या देखिए, सिंधिया जी के जाने से नुकसान तो सामने दिख रहा है, क्योंकि वो एक हमारे बड़े वरिष्ठ लीडर्स थे। इनफैक्ट इन तीन लीडर्स के लीडरशिप में ही पूरा चुनाव हुआ था, और मेरे तो व्यक्तिगत उनसे बहुत अच्छे पारिवारिक संबंध है। मुझे तो एक्चुअली पता नहीं चला ये सब घटनाक्रम के बारे में, अगर मुझे पता होता तो मैं ज़रूर प्रयास करता उनके पास जाता, और मेरे लिए तो ये दुखद घटना है। तो क्या राजा महाराजा की लड़ाई थी या कुछ यूं ही लोग उड़ा रहे हैं, क्या है? अब पता नहीं, अंदरूनी बातें बहुत सारी होती हैं जिसकी मेरे को जानकारी। आपको भरोसा है कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो कांग्रेस बहुमत साबित करेगी? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लोग, जितने लोग जो कैप्टिविटी में हैं, ये सब कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा सच होगा। कई ऐसे लोग हैं वो बीजेपी में जाना नहीं चाहेंगे। तो
स्पष्टता ये बातें सामने तभी आएंगी जब वो खुद आएंगे और स्पीकर साहब से मिलेंगे, और आज हम कुछ भी बात कहेंगे तो ये तो हाइपोथेटिकल है, प्रीमेच्योर है, मैं क्या बोल सकता हूँ। मतलब जब चीजें सामने आएंगी तब हम उनको फेस करेंगे। ये थे विवेक तनखा साहब, राज्यसभा के सांसद, जिनका कहना है कि जिस तरीके से बहुमत को कैप्चर किया गया है ये आपत्तिजनक है, और जब वो सामने आएंगे उनको निकाला जाएगा, उसके बाद कांग्रेस बात करेगी, और अल्पमत बहुमत की बात नहीं, पहले तो जो कैप्टिविटी में विधायक हैं उनको पहले सामने आना पड़ेगा। ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, भोपाल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।